नमस्कार। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट समझेंगे। इसमें दिया है 2 टेंजेंट 13 बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30। ऑप्शन दिया है cos 60, sin 60, tangent 60 और sin 30। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 2 टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है 1/√3। सेम है तो 1/√3 ठीक है बेटा। और होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो ही रहेगा √3। अब इसको क्या होगा, देखो रूट से रूट कट जाता है और 1 का क्या होता है सेम ही होता है, तो ये क्या जाएगा 1/सेम। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 3-1 तो कितना गया 2/3। अब लिख लेते हैं इसको एक बार यहाँ पे 2/√3 यहाँ पे कितना आ गया 2/3। अब इसको ऐसे पोकल कर देते हैं कितना जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 2। कट गया कितना रह गया हमारे पास सेम। अब ये देखो यहाँ पे रूट है तो रूट कभी भी नीचे नहीं रहता, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं इसी से गुणा और इसी से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3√3 और ये रूट से रूट कट जाता तो क्या आएगा 3। कट गया तो क्या आ गया √3 ठीक है। तो ये किसका होता है, ये होता है टेंजेंट 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।